हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता क्या है। जब हम टर्म एंड एग्जामिनेशन देते हैं तो आपने देखा होगा कि रिजल्ट जो है हमारा कब तक आता है। वो फाइनल रिजल्ट जो है लगभग सेप्टेम्बर तक, और कई बार तो कुछ बच्चों का अक्टूबर तक में रिजल्ट फाइनल जो है आता है। अब क्या होता है कि जब तक सेप्टेम्बर अक्टूबर तक हर कॉलेज में एडमिशन जो है फुल हो जाते हैं। अगर आप फर्दर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं या फिर फर्दर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, अगर हम बैचलर्स में थे या मास्टर्स में जाना चाहते हैं, मास्टर्स में डीयू के एडमिशन जो है तब तक फुल हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए ही ये अर्ली डिक्लेरेशन का होता है कि अगर आपकी कहीं पर पोस्ट में आपकी नौकरी लग गई है, या फिर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं किसी और में, JNU में जाना चाहते हैं या DU में जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, और भी कई सारे हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है, अगर आप इसका फॉर्म भरे तो आपको बाकी सबका रिजल्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर में आएगा, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो जून में ही आ जाता है। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो जून में ही आ जाएगा, और इससे जो है आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको हर कोर्स के लिए 700 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब एक, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है जिनका आप चाहते हैं कि हमें मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से 3500 रुपये यानी कि 3500 रुपये आपको देने पड़ेंगे हर के। ठीक है, और ये सिर्फ टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट हो, और कई सारे इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट है, तो इनका नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स है, प्रोजेक्ट है, इन सब का नहीं होगा, सिर्फ टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अर्ली डिक्लेरेशन होता है। तो आप 700 रुपये देकर कर सकते हैं सिर्फ फाइनल ईयर के लिए। आप फर्स्ट ईयर के लिए नहीं कर सकते इसको अप्लाई, सेकंड ईयर के लिए नहीं कर सकते, फाइनल ईयर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी पोस्ट में सिलेक्ट हो गए हैं या फिर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ही ये एप्लीकेबल है, और उसके लिए भी आपको अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा एविडेंस के तौर पर कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, या फिर मेरा नाम आ गया, या फिर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ कहीं और या किसी और यूनिवर्सिटी में। तो आपको वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है देना पड़ेगा, इसका दिखाना पड़ेगा, और फिर ही आप जो है अर्ली डिक्लेरेशन का फ़ायदा ले सकते हैं, और आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी ही आ जाएगा। आप पेपर देंगे और आप देखेंगे कि 2 हफ्ते में ही, जून के फर्स्ट वीक में ही आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है आपको। ठीक है,